इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वीवो के फ़ोन्स में वाईफाई की ए टू जेड सारी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है इसका। ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप देख लेंगे तो शायद आपकी वाईफाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपके वीवो के फ़ोन्स में। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं मोर सेटिंग्स, तो मोर सेटिंग्स में जाइए और मोर सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगी बैकअप एंड रिसेट की सेटिंग, इस पर भी आपको जाना है। और जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी तीसरे नंबर की पहली सेटिंग्स, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग तीन बेसिकली सेटिंग्स मिलती हैं वाईफाई की, तो सबसे ऊपर आपको मिलती है। तो इसके थ्रू आप वाईफाई की सारी इंक्लूडिंग सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी सॉफ्टवेयर रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी। अब मैं ऐसे नहीं बता रहा कि हार्डवेयर रिलेटेड होगी वो सॉल्व हो जाएगी, सॉफ्टवेयर में जितनी भी दिक्कत आ रही होगी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका, इसको सॉल्व करने का। रीसेट पर क्लिक करिए, पासवर्ड डालिए, यहाँ पर पासवर्ड पर ब्लैक दिखा होगा आपको। पासवर्ड डालने के बाद आपकी जो वाईफाई की सेटिंग्स है वो ठीक हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।